हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप किसी के भी व्हाट्सएप के स्टेटस को कैसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सएप के स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको किसी भी ऐप के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। आपको व्हाट्सएप के स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप अपना ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन ऑप्शन है, चैट्स, स्टेटस और कॉल्स का। आपको स्टेटस पर क्लिक करना है। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी व्हाट्सएप के स्टेटस को डाउनलोड करना है उसे एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैं आज इतना स्टेटस को देख लिया हूँ, तो ऐसे ही स्टेटस को देखने के बाद आपको सिर्फ कट करना है। कट करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में आप जैसे ही जाइएगा तो फिर आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ थ्री डॉट है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद शो हिडन फाइल्स पे, अगर आपके में शो हिडन फाइल्स नहीं हो तो आप के में सेटिंग होगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और शो हिडन फाइल्स को ये ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप शो हिडन फाइल को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में ही स्टेटसेज नामक एक ऑप्शन आ गया, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भी मैं आज स्टेटस देखा हूँ वो यहाँ पर कॉपी हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को सिर्फ एक बार देख कर ही अपने फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।